स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस एक्साइज ड्यूटी विच इज़ अ पार्ट ऑफ आवर सिलेबस ऑफ बीसी 203 यूनिट 6.3। छात्राओं, आज हम देखेंगे उत्पात शुल्क जो हमारे सिलेबस बीसी 203 के हिस्से 6.3 का टॉपिक है। जैसा कि आपको शब्द से ही पता लग गया है, उत्पाद शुल्क यानी कोई चीज़ बन रही है, किसी चीज़ का उत्पादन हो रहा है और सरकार उस पर शुल्क लगा रही है, यह उत्पाद शुल्क कहलाता है। अब एक्साइज ड्यूटी होती क्या है, ये हम देखेंगे इस पीपीटी में। An excise duty is a type of tax charged on goods produced within the country, as opposed to custom duties charged on goods from outside the country. उत्पाद शुल्क वह कर है जो वस्तुओं के उत्पादन में लगता है और उन उत्पादों पर लगता है जो कि हमारे देश में ही बन रहे होते हैं, और यह कस्टम्स ड्यूटी या आयात शुल्क जो कहते हैं, सीमा शुल्क, उससे भिन्न है क्योंकि वे उन वस्तुओं पर लगता है जो हमारे देश में विदेश से लाई जाती हैं या हमारे देश से बाहर भेजी जाती हैं। इट इज़ अ टैक्स ऑन द प्रोडक्शन और सेल ऑफ गुड, ये वस्तु के उत्पादन या उसकी बिक्री पर लगने वाला एक कर है। सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर गवर्नमेंट टू प्रोवाइड पब्लिक सर्विस, यह कर सरकार वसूलती क्यों है, यह बिंदु है। सरकार को अपने खर्चे चलाने हैं और उसके अंदर बहुत सारी सेवाएं चलानी हैं, अस्पताल है, रोड्स हैं, ट्रांसपोर्ट है, बहुत सारी पेंशन, बहुत सारे लोगों को तनख्वाह, जन कल्याण की योजनाएं। तो वह सब होगा कैसे, उसके लिए पैसा चाहिए। और सरकारों की यह सोच होती है कि हर जो चीज़ का उत्पादन हो उस पर कोई ना कोई कर लगाया जाए ताकि उससे सरकार के खर्चे पूरित करने में मदद मिले। एक्साइजेबल गुड्स, वह वस्तुएं जिन पर यह उत्पाद शुल्क लग सकता है, ये हम देखेंगे। फॉर द लायबिलिटी ऑफ ड्यूटी ऑफ सेंट्रल एक्साइज टू अराइज, द आइटम इन क्वेश्चन शुड नॉट ओनली बी गुड्स, इट शुड ऑल्सो बी एक्साइजेबल गुड्स। हर वस्तु पे उत्पाद शुल्क नहीं लग सकता। बहुत सारे ऐसे उत्पाद हैं, कृषि से संबंधित कम कीमत के उत्पाद, जिन पे यह शुल्क मुक्त है, और वस्तुओं के ऊपर यह शुल्क तभी लगेगा जब वो एक्साइजेबल गुड्स होंगी। गुड्स बिकम एक्साइजेबल इफ एंड ओनली इफ इट इज़ मैंशन इन द सेंट्रल एक्साइज टैरिफ एक्ट 1985। केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1985 के तहत वस्तुओं जिनके ऊपर यह उत्पाद शुल्क लगता है दी गई हैं। गुड्स मस्ट बी मूवेबल, वस्तुएं चल वस्तुएं होनी चाहिए, अचल वस्तुओं पर एक्साइज टैक्स नहीं लगता। चल वस्तुएं कौन सी होती हैं, जो एक जगह स्थिर नहीं होती, जैसे भूमि है वो स्थिर है, भवन है वो स्थिर है, पर अनेक अनेक चीज़ जो आप सुबह से शाम तक अपनी आँखों के सामने देखते हैं वो चल चीज़ें हैं या मूवेबल गुड्स हैं। ड्यूटी कैनॉट बी लेवीड ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी, यह टैक्स, यह कर उन वस्तुओं पर नहीं लगता जिनको हम एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित नहीं कर सकते। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी कैनॉट बी इम्पोज ऑन प्लांट एंड मशीनरी, यह केंद्रीय उत्पाद शुल्क जो है वह किसी उत्पाद करने वाला प्लांट या मशीन जो है उस पर नहीं लागू किया जा सकता। टाइप्स ऑफ सेंट्रल एक्साइज ड्यूटीज, अब हम इसमें देखेंगे किस प्रकार के केंद्रीय उत्पाद शुल्क लग सकते हैं। बेसिक या मूल उत्पाद शुल्क, स्पेशल
विशेष उत्पाद शुल्क एडिशनल यानी इनके अलावा लगने वाला आधिक्य कर। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बेसिक या मूल एक्साइज ड्यूटी इम्पोज्ड ऑन ऑल एक्साइजेबल गुड्स अदर देन सॉल्ट प्रोड्यूस्ड और मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। यह नमक के अलावा लगभग सभी जो उत्पाद हमारे देश में बनते हैं उनके ऊपर लगता है। दिस ड्यूटी इज लेवीड एट द रेट स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ सेंट्रल एक्साइज टैरिफ एक्ट 1985। यह दर क्या हो, किस दर पे सरकार हमसे यह उत्पाद शुल्क या उत्पाद कर वसूले, इसका सरकार ने इंद्राज केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1985 की सारणी में दिया है और उन वो दर जो दर्शाए गए हैं उनके अनुसार ही यह करारोपण किया जाता है। अब हम देखते हैं स्पेशल एक्साइज टैक्स यानी विशेष उत्पाद कर। सम कमोडिटीज लाइक पान मसाला एंड कार्स हैव स्पेशल एक्साइज ड्यूटीज लेवीड ऑन देम। दीज आइटम्स आर कवर्ड अंडर इन शेड्यूल 2 ऑफ द सेंट्रल एक्साइज टैरिफ। सरकार का मानना है कुछ चीज़ें विलासिता की वस्तुएं हैं, उन पर विशेष कर रोपण होना चाहिए, इसलिए उन्हें विशिष्ट श्रेणी में डाला गया है। जैसे पान मसाला है, स्वास्थ्य के लिए खराब है, सरकार इसको रोकना चाहती है पर सच्चे दिल से रोकना नहीं चाहती। अगर जो ऐसा होता तो पूरे पे रोक लगा देती, पर सरकार ने उस पे कर लगा दिया है कि आप अपना शौक पूरा कीजिए पर सरकार के खजाने में भी अपना हिस्सा दीजिए। वाहन, लग्जरी वाहन, कार्स हैं, उनके ऊपर उत्पाद शुल्क है। एयर कंडीशन्स, कंडीशनर, वॉशिंग मशीन, बहुत सारे ऐसे उत्पाद हैं जिन्होंने सरकार जिसे सरकार ने इस श्रेणी में, विशेष श्रेणी में डाल रखा है। एडिशनल आधिक्य कर चार्ज ऑन गुड्स लिस्टेड इन शेड्यूल 3। दिस टैक्स इज शेयर्ड बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स एंड चार्ज इंस्टेड ऑफ सेल्स टैक्स। एक और सरकार ने सारणी बनाई है जिसका नाम है सारणी तृतीय, थर्ड शेड्यूल। इसके अंदर वह कर हैं जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों में ही बांटे जाते हैं और सेल्स टैक्स की जगह जो राज्य सरकार हैं वह अपना हिस्सा एडिशनल सेंट्रल एक्साइज ड्यूटीज़ के रूप में प्राप्त करती है। लायबिलिटी फॉर सेंट्रल एक्साइज केंद्रीय उत्पाद शुल्क की देनदारी। फॉर कंडीशन मस्ट बी प्रेजेंट फॉर चार्ज ऑफ सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। किन परिस्थितियों में यह टैक्स लागू किया जाएगा यह हम देखते हैं। नंबर वन, द ड्यूटी इज ऑन गुड्स, यह वस्तुओं के ऊपर करारोपित होती है। द गुड्स मस्ट बी एक्साइजेबल, कुछ वस्तुएं हैं जैसे गेहूं का उत्पादन है, बहुत सारे कृषि उत्पादन हैं, उन्हें सरकार ने एक्साइज ड्यूटी से मुक्त कर रखा है। द गुड्स मस्ट बी मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस्ड, वस्तुओं का उत्पादन होना चाहिए या उनका नवनिर्माण होना चाहिए। सच मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन मस्ट टेक प्लेस इन इंडिया, ये वो वस्तुएं हैं जो हमारे देश में ही उत्पादित हो रही हैं, बाहर से लाई नहीं जा रही हैं, तो उत्पादन भारतीय सीमाओं के अंदर होना इसमें आवश्यक हो जाता है। हु इज़ लाइबल टू पे एक्साइज ड्यूटी, कौन वह व्यक्ति है, कौन वो संस्था है, कौन वो कंपनी के लोग हैं जिनके ऊपर यह दायित्व होता है कि वह केंद्रीय उत्पाद शुल्क अदा करे। द लायबिलिटी टू पे टैक्स एक्साइज ड्यूटी इज ऑलवेज ऑन द मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूसर ऑफ गुड्स। इसमें नियम बहुत साफ है, जो वस्तु बनाने वाला है, जो उत्पाद करने वाला है, उसी के ऊपर यह जिम्मेदारी है कि वह टैक्स अदा करे। There are three types of parties who can be considered as manufacturers. अब जो वस्तु का उत्पादन कर रहा है वो किसे माना जाएगा, इसलिए सरकार ने इसमें तीन श्रेणियाँ बनाई हुई हैं। Those who personally manufacture the goods in question, वो व्यक्ति जो व्यक्तिगत रूप पे वस्तु के उत्पादन के लिए जिम्मेदार है वो टैक्स देगा। Those who get the goods manufactured by employing hired labor,
जो खुद तो नहीं बना रहा है, पर उसने श्रम जो है पैसे के बल पे लिया है, कुछ लोगों से वस्तुओं का निर्माण कराया है, तो उन लोगों ने उस व्यक्ति के एवज में काम किया है। अतः पहली पार्टी ये टैक्स अदा करने के लिए अपना दायित्व निभाएगी। दोज हु गेट द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बाय अदर पार्टीज, कुछ लोग हैं जो ठेके पे काम दूसरे से करवाते हैं, अपनी वस्तुएं बनवाते हैं, यहाँ पर भी पहला व्यक्ति ये टैक्स देनदारी के लिए उत्तरदायी होगा। इज इट मैंडेटरी टू पे ड्यूटी ऑन ऑल गुड्स मैन्युफैक्चर्ड्स, क्या यह जरूरी है कि जो भी वस्तु बन रही है उन सभी पर यह टैक्स अदायगी जरूरी हो? यस, इट इज मैंडेटरी टू पे ड्यूटी ऑन ऑल गुड मैन्युफैक्चर्स अनलेस एग्जेम्प्टेड, जी हाँ, हर वस्तु के ऊपर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी देनी है जब तक कि एक विशेष सारणी के अनुसार कुछ वस्तुओं को इसके अंदर से बाहर निकाला गया हो। फॉर एग्जाम्पल, ड्यूटी इज नॉट पेबल ऑन द गुड्स एक्सपोर्टेड आउट ऑफ इंडिया, कोई वस्तु है जिसे हमारे देश से विदेश भेजना है उसके ऊपर ये कर रोपण नहीं होगा। सिमिलरली, एग्जेम्पशन फ्रॉम पेमेंट ऑफ ड्यूटी इज अवेलेबल बेस्ड ऑन कंडीशन सच एज काइंड ऑफ रॉ मटेरियल यूज, वैल्यू ऑफ टर्नओवर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, टाइप ऑफ प्रोसेस एम्प्लॉयड एक्सेट्रा। कुछ इसमें सरकार ने छूट दे रखी है कुछ उद्योगों को लिए, कुछ उद्योग जो कम बिजली लेते हैं, मानव श्रम अधिक इस्तेमाल करते हैं, कम सीमा में वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, ऐसे कुछ उत्पादों को सरकार ने एग्जेम्पशन या छूट की श्रेणी में डाल रखा है। बेसिस फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुड्स, वस्तुओं की कीमत किस आधार पर मानी जाएगी, यह इस PPT में दिखाया गया है। स्पेसिफिक ड्यूटी, यह वस्तु की आकार, प्रकार, वजन आदि पर निर्भर करती है। जैसे सिगरेट की लंबाई के ऊपर उसके ऊपर लगने वाला टैक्स निर्भर करता है, यदि सिगरेट की लंबाई अधिक है तो उस पर टैक्स ज़्यादा होगा, यदि चीनी जैसा उत्पाद है तो क्विंटल में उसका जो वजन होगा उस अनुसार से उसके ऊपर टैक्स लगेगा। टैरिफ ड्यूटी, यह सरकार निर्णय करती है कि किस वस्तु पे कौन से रेट से दर से टैक्स वसूला जाए। वॉशिंग मशीन पे कुछ है, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों पे कुछ अलग है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस सरकार देती है, जो अधिकतम मूल्य उस वस्तु पे लिखा है उसके ऊपर 1% के रूप में ये टैक्स आरोपण करे। एड वैलोरम बेसिस, ये कुछ विशेष वस्तुएं हैं जिनका सरकार मूल्यांकन करती है, और वस्तु से वस्तु, जैसे कुछ औद्योगिक उत्पाद हैं, रॉ मटेरियल्स हैं, सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट्स हैं, उनमें वस्तु के अनुसार निर्णय लेती है कि इसके ऊपर किस दर से टैक्स लिया जाए। धन्यवाद। तो ये हमारा PPT प्रेजेंटेशन था उत्पाद शुल्क या एक्साइज ड्यूटी के बारे में। धन्यवाद।